हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपनी फ्लास्क थर्मस को गर्म में ही कैसे ठीक कर सकते हैं अगर वो गर्म नहीं रख रही या ठंडा नहीं रख रही या फिर उसमें स्मेल आ रही है। तो इसके लिए आज हम पूरी आपको डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर। तो सबसे पहले आपको इसमें गर्म गर्म पानी डालना है। पानी डालने के बाद आप इसे इस तरह बंद करके रख दें। अगर आपकी बोतल बाहर से गर्म हो रही है तो समझिए आपका पीस खराब हो चुका है, उसका कोई सलूशन नहीं है, वो पीस डेड हो चुका है। बट अगर आपका पीस बाहर से गर्म नहीं हो रहा पर आपने अंदर से पूरा गर्म पानी डाला हुआ तो आपका पीस बिल्कुल ठीक है, वो आपके लिए यूजेबल हो जाएगा। तो इसके लिड को चेक करना होगा। तो इसके रबड़ को चेक करें, रबड़ खराब होगा या फिर आपका यहाँ से लिड खराब हो गया होगा। तो इसके लिए आपको खराब हो गया तो आप अपना लिड अलग से बाय कर सकते हैं, सिंगल लिड मिल जाते हैं मार्केट से। अगर आप हमारे स्टोर से भी बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप हमारे स्टोर से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। वो आपकी हैंडल वाली थर्मस हो या इस तरह की थर्मस हो, दोनों के लिए हमारे स्टोर से मिल जाते हैं। वो साइज डिपेंड करता है, आप 500 ml का लेना है या 1000 ml का लेना है, तो आपकी बोतल दोबारा उसी यूजेबल बन जाएगी। तो अगर इसमें आ रही है स्मेल तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसे अच्छी तरह वॉश करके रखना है। और वॉश करने के बाद अगर आपके घर में हेयर ड्रायर है तो हेयर ड्रायर के साथ आप इस तरह गर्म हीट दें। गर्म हीट देने के बाद आप इसे 2 या 3 दिन के लिए यूज ना करें, इसी तरह ही लिड को ओपन करके आप रख दें। 2 या 3 दिन के बाद इसकी जो अंदर वाली स्मेल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फिर आप इसे यूज कर सकते।